नमस्कार मित्रों, विश्वरंग कनाडा के इस मंच पर मैं शैलजा सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्वरंग कनाडा विश्वरंग भारत की योजना का एक हिस्सा है। यह रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भारत और उसके जो चांसलर हैं श्री संतोष चौबे, उनके द्वारा आयोजित एक विराट समारोह, एक विराट उत्सव है। विश्वरंग कनाडा अन्य देशों के साथ साथ 7 और 8 नवंबर को यह कार्यक्रम फेसबुक पर इसी जगह पर मनाएगा। आइए इस कार्यक्रम के इस उद्घाटन सत्र में हम पहले प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती की। माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर रही हैं मानुषी चटर्जी। या कुंदेन्दु तुषारहारा धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दण्डमण्डिता करा, या श्वेत पद्मासना। नमस्कार। सर्वप्रथम कनाडा विश्वरंग के उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के माध्यम से आयोजित किए जा रहे इस साहित्यिक उत्सव में कनाडा सहित 50 से अधिक राष्ट्रीयताओं के 1000 से अधिक कलाकारों और लेखकों की भागीदारी हो रही है। इसमें कथक नृत्य से लेकर लघु नाटक, हिंदी लघु कथाएं, संस्मरण, यात्रा साहित्य और कविता भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं हिंदी राइटर गिल्ड और उनकी पूरी टीम को उनके परिश्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में 10 विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ साहित्यकार और विश्व पुरस्कृत लेखक शामिल होंगे। हे डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर चलत। नमस्कार। विश्वरंग कनाडा के अंतर्गत आयोजित प्रवासी भारतवंशी लेखक सत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंबिका शर्मा और आज की शाम मैं इस प्रोग्राम में रहूंगी आपके साथ। बात करेंगे हमारे प्रतिभागियों से जो लेखक हैं कनाडा में, यहाँ पे विभिन्न भाषाओं में लिख रहे हैं। हमारे लिए और जो विश्वरंग कनाडा के जो और दर्शक देख रहे हैं इसे बाहर भी, उनके लिए आप क्या पढ़ना चाहेंगे अपने साहित्य में से, कुछ ऐसी चीज जो हम आपके साहित्य का एक नमूना देख सकें। आपने कहा छोटी कविता, सो मैं छोटी से छोटी निकाल रही हूँ कि मोमबत्तियां जगदियां लो दिंदियां जल के टलदियां मुक जांदियां, मोमबत्तियां छोटियां वड्डियां लम्मियां मधरियां मोटियां पतलियां जलन लई बनदियां, कुछ खुशबूदार महक वंडदियां आपा वारदियां मुक जांदियां, कुछ घर दे ड्राइंग रूम विच सजियां रहिंदियां सालां बद्दी इंतजार करन लई बनदियां, कुछ जल्दियां किसी दरगाह ते कुछ जल्दियां किसी दरगाह ते जां किसी मजार ते कुछ मैलियां हो जांदियां पईयां गैरां दी पनाह च, कुछ मैलियां हो जांदियां पईयां गैरां दी पनाह च, कुछ मोमबत्तियां आप तां जल्दियां घर भी जला दिंदियां, कुछ मोमबत्तियां आप ते जल्दियां घर भी जला दिंदियां, मोमबत्ती दा धर्म जलना मोमबत्ती दा कर्म जलना। सो ये एक छोटी सी मेरी विस्माद नामक
किताब में से एक कविता है। सभी श्रोताओं को आशा बर्मन का नमस्कार। साहित्य के विश्व रंग में सभी का स्वागत। यह कार्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम विश्व रंग का एक भाग है और अब मैं श्रीनाथ द्विवेदी से आग्रह करूंगी कि वे मंच में आए और हमें बताएं कि उनकी साहित्यिक यात्रा कैसी रही और किस प्रकार उन्होंने 1988 में उस समय जबकि हिंदी का इतना वातावरण नहीं था कैसे 17 कवियों को लेके टोरंटो के और टोरंटो के नहीं पूरे कनाडा के 17 लोगों को लेके उन्होंने एक काव्य संकलन का प्रकाशन करवाया। उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। तो कृपया आपका स्वागत करती हूँ श्रीनाथ जी, आइए और हम लोगों को अपने विचारों से अवगत कराइए। धन्यवाद। नमस्कार आशा जी, हिंदी प्रेमियों, हिंदी सहयोगियों, हिंदी समर्थकों को मेरा प्रणाम। ये बहुत अच्छा कार्य है कि विश्व के हिंदी प्रेमियों को इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ा जा रहा है और इसमें हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में निश्चय ही एक ये बहुत ही अहम कदम होगा। यहाँ तक हिंदी का संबंध है कनाडा में, मैं आया था 71 में विल्फ्रेड लॉरियर यूनिवर्सिटी में एमए के प्रोग्राम में आया था। उस समय बहुत सीमित लोग थे हिंदी जानने वाले। हम लोग मिलते रहते थे आपस में, घरों में किसी प्रकार के कार्यक्रम होते थे, उनमें हिंदी कविता है, गजल है और लोकगीत भी हैं, सभी तरह का कार्यक्रम। लगातार कपट का आश्रय लेके पांडवों ने इस युद्ध में अगणित योद्धाओं की हत्या की है और आप मुझे शांत रहने की सलाह देते हैं। अरे पांडवों को तो कपट करके हत्या करने की आदत हो गई है। पांडवों के साथ विधिवत युद्ध नहीं हो सकता, कपट करके ही उसके साथ युद्ध किया जा सकता है। निर्वंश करूंगा मैं पांडवों को, निर्वंश करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि पांडवों का मैं सर्वनाश करूंगा। उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव संतान का सर्वनाश हो इस दर्भ बाण से। जाओ वायु बन जाओ, भस्मीभूत हो जाओ। कायरों के निर्वीर्य संतान, उस पृथ्वी पर तुम्हारा अवतरण हो उससे पहले तुम्हारा सर्वनाश हो। सुनो 5 बज गया है, अब ज्यादा देर नहीं रहेगी चीफ साहब के आने में। अरे सारा इंतजाम हो गया है, बरामदे में मेज कुर्सी तक लगा दिए हैं सब खाने के लिए। और वो जो बेकार का सामान तुमने बाहर रखा था उसका क्या हुआ? अरे तुमसे कितनी बार मैंने कहा है कि उसको छान कर अलग कर दो और कबाड़ी को दे दो, पर तुम हो कि मेरी कोई बात सुनती नहीं हो। वो फिकर तुम मत करो, सारा सामान उठवा के मैंने बिस्तर के नीचे रखवा दिया है। और तुम बताओ, तुमने सारा ड्रिंक्स वगैरह का इंतजाम कर लिया है? अरे मैं सब कुछ ले आया हूँ, एक से बढ़िया एक ड्रिंक और बढ़िया वाले ग्लास भी। सुनो तुमने ठीक से चेक कर लिया ना कि खाना एकदम बढ़िया बना है? मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए आज के दिन, मैं कह देता हूँ। खाना एकदम फर्स्ट क्लास बना है, वो मेरा डिपार्टमेंट है, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? जब भी तुम खाने के लिए सबको बरामदे में लेकर आओ, मुझे बस बता भर देना। सुनो माँ का क्या करें, आज की पार्टी में मेहमानों के सामने वो एकदम डिसफिट रहेंगी। इस सत्र का नाम है सम्मान आपका, मान कनाडा का। मित्रों हमारे बीच बहुत ही अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित दो लेखक यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर रत्नाकर नराले और डॉक्टर स्नेह ठाकुर। मैं दोनों का ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं 50 से अधिक वर्ष से लगा हूँ हिंदी संस्कृत और संस्कृति के
प्रचार और प्रसार में। यहाँ शुरू में तो लिखने के लिए, प्रकाशन के लिए सहूलियत नहीं थी, हम हाथ से लिख के ही मैगजीन बनाते थे। बाद में जीरोक्स यंत्र आ गया, जीरोक्स ब्लूप्रिंट से बना मैगजीन बनाते थे। फिर 1990s में कंप्यूटर आ गया, फिर मैंने अपने फॉन्ट बनाए, फिर हमारी गति बढ़ गई। फिर हमने ऑनलाइन हिंदी फ्री क्लासेस शुरू कर दी और किताबें लिखने, अपने फॉन्ट बनाकर किताबें लिखनी शुरू कर दी। तो पिछले 40 साल से 50 साल से हम किताबें बना रहे हैं। तकरीबन मेरी सारी किताबें तकरीबन अमेजोन पर अवेलेबल है, 40 से अधिक किताबें हैं। आज मेरे ख्याल में मुझे 20-25 मिनट हैं। पहली किताब जो है गीतोपनिषद, ये मेरी सबसे सबसे खास किताब है, इसलिए कि गीता क्या है, जो गीता जो धृतराष्ट्र ने संजीव को कहा था 10वें दिन में, महाभारत वार शुरू होने के बाद में 10वें दिन जब पता चला कि भाई भीष्म का पतन हो गया है, उनको तो विश्वास नहीं हुआ। अरे भाई संजय बताओ कि मकुरो संजय, पांडवों ने और कौरवों ने क्या किया अब तक जी। तो संजय ने जो धृतराष्ट्र को बताया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, जो कि व्यास जी ने संस्कृत में लिख के रखा, वो महाभारत का एक चैप्टर गीता है। विश्व रंग कनाडा के अंतर्गत आयोजित इस लघु कथा गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। यह कार्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम विश्व रंग का एक भाग है। हम उनके मुख्य आयोजनकर्ता विश्वविद्यालय के चांसलर श्री संतोष चौबे जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कनाडा को इस विराट कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। लघु कथा का शीर्षक है दाह। दरवाजे पर कड़क तार खटखट का जवाब दीना को देना ही पड़ा। दरवाजा खोलने से पहले उसने एक लाचार नजर घर की औरतों पर डाली। अपने एक कमरे के इस झोंपड़े में वे सिर ढके अपने में कुछ और सिकुड़ गईं। क्या रे, सुना बेटी का दाह कर्म भी कर दिया? पुलिस के बड़े अधिकारी के स्वर में तीखापन था। पीछे मीडिया के लोग अपने माइक और कैमरे खोले सारे किस्से को दिखाने को आतुर। टोले वालों को छोड़कर गांव भर के लगभग 100 लोग जमा थे। इतनी जल्दी क्या थी? कितने लोग उसके दाह को पूरे देश को दिखाना चाहते थे जानते हो? पूरे देश की बिटिया थी वो, और तुमने अकेले ही सब चुपचाप कर दिया। साहब, 3 दिन बाद अस्पताल से शरीर मिला और कितने दिन रखते? बलात्कार और मौत की सब जांच हो तो गई थी। दीना ने सफाई दी। उसे देखने आने के बहाने जाने कितनी ऊंची नीची जातियों के लोग, नेता, ये कैमरे वाले, हमारे घर की लड़कियों, टोले की दूसरी लड़कियों और बहुओं का अपनी नजरों से बलात्कार कर रहे थे। उसे तो चलने नहीं दिया जा सकता था ना साहब, सो निपटा दिया सब। वो तो मर गई, पर बाकी को जिंदा लाश कैसे बना दें? हमें नहीं बनाना इन्हें इस देश की बिटिया। विश्व के कोने कोने में बसे हिंदी प्रेमियों को सुदूर कनाडा से भरत मुनि वंशज विद्या भूषणधर का सादर प्रणाम। ये सत्र कहानी उपन्यास से हटकर लिखी जाने वाली विधाओं का सत्र होगा। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे संपादकीय लेखन पर, आत्मकथा पर, संस्मरण पर और व्यंग पर। आज के सत्र में हमारे मध्य हैं कनाडा में हिंदी की सेवा में लीन कुछ प्रबुद्ध व्यक्तित्व, और आज हम चर्चा करेंगे इन 4 विधाओं की। स्वागत करता हूं मैं आज के वक्ताओं का। श्री सुमन कुमार गाई जी संपादकीय लेखन पर बात करेंगे, श्याम त्रिपाठी जी आत्मकथा पर बात करेंगे, श्री विजय विक्रांत जी संस्मरण पर बात करेंगे और श्री समीर लाल जी व्यंग पर बात करेंगे। मित्रों, मेरे साथ ये 4 हस्तियां जुड़ चुकी हैं अंतर्जाल के माध्यम से। संपादक का दायित्व होता है कि वो वर्तमान से जुड़ा रहे, जो उस समय समाज में घट रहा उसका, वो जिस भी माध्यम की पत्रिका का संपादन कर रहा है उसमें वो दिखना चाहिए और उसकी वो दिशा भी निर्धारित करे। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि
पहले तो सिर्फ जैसे प्रिंट मीडिया ही था, और उसमें भी दो हो जाते हैं, एक साहित्य हो जाता है, एक समाचार हो जाता है, दोनों बिल्कुल अलग है। अब इंटरनेट है, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। तो दायित्व अलग अलग है, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम। विश्व रंग कैनेडा के अंतर्गत आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं मानुषी चटर्जी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे अंबिका शर्मा जी को। सभी सुनने वालों को ये एक कविता मैं पेश कर रही हूँ जो खासतौर से समर्पित है मुझ जैसी महिलाओं को, हम सभी को जिन्होंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो आज की कविता है पंख बन परवाज बन। पंख बन परवाज बन, खुद अपने सर का ताज बन। सुन गुनगुना रही जो जिंदगी इस मौसिकी का साज बन। पंख बन परवाज बन। क्या बात है, शुक्रिया। तो उज्जवला सहस्र ज्वला, ना अश्रु श्वेत छल छला। प्रतिबिंब बनकर जी चुकी, प्रतिबिंब बनकर जी चुकी, अब रोशनी का भास बन। पंख बन भास बन। मानुषी जी, आज मेरा भी परम सौभाग्य है कि मैं अपने सभी दर्शकों को आपके माध्यम से कविता सुनाने का सौभाग्य पा रहा हूं। और हम कनाडा में रहते हैं, तो मैं पहले दो छोटे से छंद जो हैं, कनाडा क्या है दुनिया जाने। वैसे तो कनाडा को लोग सभी अपने अपने ढंग से जानते हैं, लेकिन आइए दो छंद में रख रहा हूं। परिंदों की तरह बाशिंदे उड़ आए कनाडा में, हर एक सुख चैन मन चाहा सभी पाए कनाडा में। बना कर घोंसला इसको संवारे आदमियत हम, बुलंदी को छुए मंजिल हर एक पाए कनाडा में। हर एक सुबह सुहानी खूबसूरत सांझ देखे हैं, रुते रंगी हंसी चेहरे छलकते जाम देखे हैं। खुशी से महफिलों में दिल मचलते हैं थिरकते हैं, है रौनक कुदरती कुछ खास ही आराम देखे हैं। है रौनक कुदरती कुछ खास ही आराम देखे हैं। आज के इस सत्र में बहुत खुशी महसूस होती है मुझे जब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो ना केवल एक जाने माने लेखक हैं, बल्कि कनाडा में एक टीवी क्विज प्रोग्राम के होस्ट भी हैं, और हाल ही में इनकी एक अवार्ड विनिंग सामाजिक फिल्म नेवर अगेन को दुनिया भर में ख्याति मिली, और कई इनको इसमें इनामात भी दिए गए। जी शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में हम बड़ी बारीकियों से हर रोजमर्रा की जिंदगी में सबको देखते हैं, और हम ये ऑब्जर्व करते रहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। और क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी इमिग्रेंट फैमिलीज हैं, और इमिग्रेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और सिंगल मदर्स हैं, इमिग्रेंट चिल्ड्रन की प्रॉब्लम है, माँ बाप और बच्चों में जो एक डिस्टेंस है कुछ एक फैमिलीज में, उनकी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें जो है मैं हमेशा देखा करता था, और यही सामाजिक मुद्दे पे मैं एक फिल्म बनाने की सोच रहा था। तो मैंने अपने बेटे से बात की, वो यहीं कनाडा में बड़े हुए हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था, और उन्होंने मुझे फिर ये स्टोरी का आइडिया दिया। और क्योंकि मैं उनका जानना चाहता था पर्सपेक्टिव के, उनका पर्सपेक्टिव क्या है जिंदगी के बारे में और यहाँ के बारे में,
तो ये जो सामाजिक मुद्दा है, हमने फिर उनसे बात की और उन्होंने स्टोरी का कॉन्सेप्ट किया और बाद में फिर हमने उसको फुल फ्लेज फिल्म में शॉर्ट फिल्म के रूप में हमने उसको ले लिया। मैं शर्जा सक्सेना आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों की उपस्थिति ने कल और आज हमको बहुत अधिक बल दिया। आप लोगों की उपस्थिति के कारण ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया। विश्व रंग कनाडा का पहली बार आयोजन किया गया, ये हमारे लिए बहुत ही अधिक खुशी की बात है। बहुत मेहनत और लगन से कुछ सत्र हम लोग तैयार करके आप लोगों के सामने लेकर आए। कल और आज में आप लोगों ने 9 सत्रों में विभिन्न कलाकारों और लेखकों से परिचय प्राप्त किया, उनकी बातें सुनी और साहित्य और कला से विज्ञान से जुड़ सके। आप लोगों ने नाटक भी देखे और हमारे संचालकों का बहुत अच्छा संचालन देखा, जिनके माध्यम से हम जीवन और साहित्य के कुछ सार्थक प्रश्नों से जुड़कर एक अच्छी बातचीत कर सके। मित्रों, आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि विश्व रंग कनाडा विश्व रंग भारत के विराट आयोजन का एक हिस्सा था और बहुत से देशों में ये कार्यक्रम निरंतर साथ चल रहा था।